सो हेलो गाइज एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशु डिजाइन। सो गाइज, जैसे कि आप लोग रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम पे फोटो देखोगे, ये कुछ फोटोज था जो बहुत बेस्ट और ऑसम लग रहा है। इसका गाइज ओरिजिनल फोटो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। गाइज, इसलिए मैं इस एडिटिंग ट्यूटोरियल को आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा भी था आप लोगों से कि गाइज डू यू वॉन्ट दिस ट्यूटोरियल, तो सभी लोगों ने कहा था यस, बहुत लोगों का रिप्लाई आया था यस में। तो गाइज, इसलिए मैं इस एडिटिंग ट्यूटोरियल को लेकर आया हूँ। तो यार, मैं दो एप्लीकेशन यूज करूंगा, पहला होगा लाइटरूम, दूसरा होगा पिकार्ट्स। लाइटरूम से हम इफेक्टिंग वाला वर्क करेंगे और पिकार्ट्स से जो होगा गाइस मैं यूज करूंगा पीएनजी। गाइस, जो मैं पीएनजी यूज करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस, सेकंड चीज, अगर यार अब तक आप लोगों ने मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। एंड गाइज, इंस्टाग्राम पे रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई भी शिकायत हो या फिर किसी बात से आपको या फिर कोई और न्यू एडिटिंग आपको जाननी है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने फोटो को शेयर कर लिया है लाइट रूम में। गाइज, लाइट रूम में शेयर करने के बाद सबसे पहला मेरा स्टेप होगा, ब्राइटनेस वाले पे क्लिक करेंगे और जो एक्सपोजर है उसको +30 पे कर देंगे। उसके बाद जो गाइस जो कंट्रैक्ट है उसको हम -30 पे रखेंगे, 30 या 40 के आसपास रखते हैं। उसके बाद कुछ जो हाईलाइट है गाइस उसको हम +12 में रखते हैं। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है शेडो वाला, शेडो को हम -35 या 37 के आसपास रखते हैं। उसके बाद गाइस जो ये वाइट टोन है, वाइट टोन को हम 22 कर लेते हैं, 20 या 22 के आसपास ही रखते हैं इस फोटो के अकॉर्डिंग। एंड जो ब्लैक है उसको भी हम +40 के आसपास रखते हैं, चलिए मैं 44 कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मिक्स यूज करेंगे, नहीं सॉरी गाइस, जो वाइब्रेंस है वाइब्रेंस को हम ऐड कर लेते हैं, +8 कर लेते हैं। और जो गाइस सेचुरेशन है उसको हम -17 में रखते हैं, 50-70 के आसपास आप लोग रख लेना। उसके बाद गाइस जो सेकंड स्टेप मतलब मिक्स यूज करेंगे, मिक्स में हम क्या करेंगे गाइस, जो पहला है पहला टोन का सिचुएशन हल्का सा माइनस करके लुमिनस इंक्रीज कर देंगे। सेकंड स्टेप में भी सेम वही काम करेंगे, सिचुएशन को हल्का सा माइनस करके और लुमिनस को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप थर्ड टोन जो है गाइस, थर्ड टोन का जो सिचुएशन है उसको हम माइनस में रखते हैं। जो ब्लू टोन है उसको भी हम माइनस में रखते हैं। ये जो गाइस ब्लू है, ग्रीन को हम माइनस में रखते हैं, जो ब्लू टोन है गाइस इसका हल्का सा हम माइनस में रखते हैं ही, और सिचुएशन को हल्का सा हम इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से हम डन कर देंगे। डन करने के बाद गाइस हम टेम्परेचर जो है उसको हम हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं, 6 पे कर लेते हैं। उसके बाद गाइस थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप में क्या हुआ गाइस, क्लैरिटी है उसको हम +30 पे कर लेते हैं, 30 के आसपास, 40-50 के आसपास रख कर लेते हैं। और जो डैनेज है उसको हम 2 पे कर लेते हैं, या सारी सॉरी आप लोग 4 पे भी कर सकते हो जैसे कि मैंने कर लिया है। उसके बाद जो विग्नेट है उसको -75 पे रख लेते हैं, 70 के आसपास, +70 के आसपास आप लोग रख सकना गाइस, मतलब रख लेना। और जो मिड पॉइंट है उसको हम -30 के आसपास रखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं 32 कर लिया हूँ। उसके बाद गाइस हम स्मूथनेस वाला वर्क करेंगे, नोआ रिडक्शन को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे और जो शार्पिंग है उसको हल्का सा इंक्रीज कर देंगे और जो कलर नोआ रिडक्शन है उसको भी हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करने के बाद गाइस हम आएंगे प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन पे। प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस जो आर्टिस्ट 3 है ये प्रोफाइल यूज करेंगे। अगर आप इसको इतना ही पे रखना चाहो तो रख सकते हो, या फिर इसका जो वैल्यू है उसको हल्का सा माइनस करके आप लोग रख सकते हो। तो मैं फिलहाल इसको -80 पे रख लिया और यहाँ से डन कर दिया। डन करने के बाद गाइज इस फोटो को हम शेयर करेंगे पिकार्ट्स में पीएनजी ऐड करने के लिए। तो चलिए गाइज इस फोटो को हम शेयर करते हैं पिकार्ट्स में। गाइज पिकार्ट्स में आने के बाद गाइज जो मेरा 2-3 पीएनजी है उस पीएनजी को हम ऐड करेंगे फोटो पे। जैसे कि देख सकते हो मैं फोटो में ऐड कर ले रहा हूँ, मतलब फोटो पर ऐड कर लेता हूँ ये जो 2 पीएनजी है गाइज। इस पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइस एक पीएनजी को आप लोग ऐसे ऐड कर लो यहाँ पे, और एक पीएनजी को आप कुछ इस तरीके से ऐड कर लो। गाइस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब ऐड करना चाहते हो, किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फिलहाल इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ से इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद गाइस फिर हम ऐड फोटो पे आएंगे।
और एक इस वाले पीएनजी को लेकर, एक पीएनजी को गाइस हम कुछ इस तरीके से सर पे ऐड कर देंगे कि थोड़ा सा ऑसम लगेगा और प्यारा भी लगेगा कुछ इस तरीके से ऐड करने के बाद। और ये जो एक पीएनजी है गाइस, इसको हम एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आकर सिचुएशन को हम माइनस पे इसका कर देते हैं। माइनस पे करने के बाद यहाँ से डन कर देंगे। इसको हल्का सा हम कर लेते हैं ब्लर। ब्लर करने के बाद जो आपका पीएनजी हल्का सा फटा रहता है उसका क्वालिटी थोड़ा बढ़ जाता है और दिखता नहीं है, मतलब फ़ोटो फटा है कि मतलब पीएनजी फटा है। और यहाँ से आप इसको ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद गाइस कुछ आप इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। यहाँ से एडजस्ट करने के बाद गाइस आप कर लेना यहाँ से डन। डन करने के बाद गाइस एक मैं पीएनजी एक और ऐड कर लेता हूँ और आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाली। आप यहाँ पर इसको लगा देते हो तो थोड़ा सा प्यारा फ़ोटो लगेगा और ऑसम भी लगेगा, और लगेगा कि इंस्टाग्राम कंसेप्ट वाली एडिटिंग है ये। तो यहाँ से आप इसको लगा के डन कर सकते हो। डन करने के बाद गाइस थोड़ा सा फेस पे स्मूथ लाने के लिए आप स्मूथनेस यूज कर लेना, इससे थोड़ा सा आपका फ़ोटो का मतलब लुक जो होगा वो बदल जाएगा। गाइस मैं स्मूथनेस यूज कर ले रहा हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा यूज कर लेना। इसको जूम करके आप लोग इरेज वाले ऑप्शन पे आके ये लिप पे, नोज जो है, आइज़ है, यहाँ से आप इसको इरेज करके थोड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि मैंने कर लिया है। तो गाइस यहाँ से हम इसको डन कर देंगे और फाइनली आप लोग देख सकते हो आपका फ़ोटो रेडी हो चुका है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और सारा पीएनजी आपको मतलब जितना भी पीएनजी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी एडिटिंग के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।